रकुल जी। हेलो रकुल जी। अरे रकुल जी, आपका वो नया पिक्चर का पोस्टर अच्छा है, छतरी वाले। आपके राइट में छतरी वाली, छतरी वाली। अरे मेडे का तो पहले से ही पता था ना हमें, अभी रनवे हो गया। अरे रुक जाओ रुक जाओ, मैडम मैडम मैडम, थोड़ा जरा खरा बैक बैक। रकुल जी फुल बैक। पाजी पाजी मचाना पाजी। रकुल जी आप मेरे पास देख ही नहीं रहे हो, आपने राइट नहीं ली। रकुल जी रुकेगा जरा विद्वान के लिए। अरे बाप रे, बस मैडम मारना मत। रकुल जी राइट, रकुल जी बैक करके। हाँ रकुल जी जरा कुछ बता दीजिए टीम के बारे में, टीम के बारे में कुछ बता दीजिए। एक मिनट। यस, मेरी टीम है टेनिस प्रीमियर लीग में फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स, और जो TPL सीजन है वो 14th दिसंबर से शुरू हो रहा है। सो एवरीबडी हु लव्स टेनिस एंड एवरीबडी हु लव्स टू वॉच स्पोर्ट्स, प्लीज वॉच TPL सीजन 3 एंड सपोर्ट फाइन कैब हैदराबाद स्ट्राइकर्स। यस थैंक यू, थैंक यू गाइस। मंडल अप्लावर यार मनोज रोल कर रहे हो, रोल कर रहे हो। सुनील सर, सबसे पहले आप जिस इवेंट के लिए आए थे उससे जुड़ा सवाल पूछेंगे। जिस तरह से बीच में जो फौजी हैं, दूसरे जो सिपाही हैं, उनके जो वीडियोस आ रहे थे कि उन्हें तकलीफ हो रही है, वो वीडियोस भी आपने भी देखे होंगे, उसको लेकर सबसे पहले आपके मन में क्या है? देखिए आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेंट्रल में डिफेंस मिनिस्ट्री उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ काम कर रहा है। कभी कभार क्या हो जाता है कि डाउन द लाइन क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन ऊपर पहुंचते पहुंचते वक्त लगता ही है। लेकिन आई थिंक आज जो अवेयरनेस देश में है जवानों की तरफ से या फौजियों की तरफ से, आई थिंक दैट इज़ एट इट्स पीक। वो जो प्यार है वो आई थिंक वो पीक पे है, और एक वो बहुत खुशी की बात है ये कि हम हमारे असली हीरोज को रिकग्नाइज कर रहे हैं देश भर में। ओके अन्ना, अब घर में फैमिली में कुछ होने के बावजूद, एक शादी है, एक माहौल है, उसके बावजूद यहाँ आप आते हैं, इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, एंड आई हैव सीन यू नो सपोर्टिंग ऑल द सोशल कॉजेस, ये कहाँ से प्रेरणा आती है? जैसे कि मैंने कहा, आई थिंक 130 फिल्में हो चुकी है मेरी, लेकिन अगर मुझे लोग याद करते हैं तो सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से, LOC के द्वारा, बॉर्डर के द्वारा, जब मैं इन लड़कों के साथ वक्त गुजारता था तो उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है, वो सिर्फ जान देना चाहते हैं देश के लिए। तो आई थिंक उनकी माइंडसेट और अगर आप मेंटालिटी देखोगे तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट लव फॉर द कंट्री। तो हमेशा हम्बल रहा हूँ, और इसीलिए जो कुछ एज अ रियल हीरो छोटी मोटी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही छोटी बात है, लेकिन जो भी हो मैं करता हूँ, मैं आगे आता ही हूँ। हाउ प्राउड मोमेंट इट इज़ फॉर यू, यू नो, गेटिंग सुनील शेट्टी हियर ऑल द वे।